Okay. Yes. Okay. So we have studied about law of gravitation, right? So I would need someone to read the statement for me. Raise your hand using the Teams app feature. And 32 students in the meeting. किसी ने भी कैमरा नहीं ऑन कर रखा है, which seems to be very disappointing. I would request you all to please switch on the camera. तीन ने करा बोलने के बाद भी. What about the rest of the 29, 28? एक कोई मीटिंग से चला गया. बाकी 28 स्टूडेंट्स अगर सुन रहे हैं तो प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए. And I would request Shreya, yes. ठीक है, परफेक्ट है. और जो हम लोगों ने अभी तक इस पर डिस्कशन करा था, दैट वॉज समथिंग अबाउट सपोज देर आर टू ऑब्जेक्ट, तो ये लोग दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, राइट? और जो अट्रैक्शन का फोर्स है वो अलोंग देयर सेंटर्स एक्ट करेगा. तो सपोज अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी और एक का मास कैपिटल एम है, एक का मास स्मॉल एम है, तो बात ये जो कहना चाह रहे थे कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मास. जब इन दोनों को हमने यस समझो स्क्रीन शेयर नहीं. ठीक है, तो ये था इन दोनों इक्वेशंस को जब हमने कंबाइन करा तो ये क्या हो गया कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू द मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम. और इसको जब फाइनली हमने प्रॉपर मैथमेटिकल इक्वेशन बनाया, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा, तो आ गया एक कैपिटल जी और ये फॉर्मूला दिखने लगा कुछ ऐसा. ठीक है, जहां पे ये जो जी था इसको हमने क्या कह दिया, वी कॉल्ड इट यूनिवर्सल ग्रेविटेशन. इतना शायद हम लोगों ने लास्ट टर्म में बात करी थी, राइट? एज फार एज आई कैन रिमेम्बर हम लोगों ने लास्ट टर्म में यही डिस्कशन करा. किसी को इसमें कोई डाउट है? किसी डस एनीवन हैव एनी डाउट टिल हियर? सबको सारी बातें क्लियर है? अच्छा, जस्ट गिव मी अ सेकंड. कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने शायद सॉल्व करे थे, इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करा था एज फार एज आई कैन रिमेम्बर. यूनिट भी डिस्कस कर ली थी हम लोगों ने, राइट? यूनिट इसकी कैसे निकली थी कि जी की जो यूनिट आती है वो कैसे आती थी, एफ इंटू डी स्क्वायर अपॉन एम इंटू एम. तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. यही पढ़ रखा था हम लोगों ने यूनिट. ठीक, अब इसकी वैल्यू की बात आती है. जो कैपिटल जी है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, इस पे थोड़ी सी बात आती है.
So we'll note that down. एक पॉइंट लिखेंगे इसके बारे में. आई होप यू ऑल हैव योर पेन एंड नोटबुक इन फ्रंट ऑफ यू. जस्ट गिव मी अ सेकंड. यस सो राइट डाउन दिस पॉइंट. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी. कैपिटल जी रहेगा यहां पे. वॉज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय रिपीट कर रहे हैं एक बार. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी वॉज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय हेनरी कैविंडिश. इसकी स्पेलिंग क्रॉस चेक कर लेंगे अगर कंफ्यूजन होगा. ठीक है, रिपीट कर रहे एक बार शुरू से. द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट कैपिटल जी वॉज फर्स्ट डिटरमाइंड बाय हेनरी कैविंडिश. ठीक है, ही गेव द वैल्यू ऑफ जी एज ये दिख रहा है स्क्रीन पे सबको. ठीक है, तो ये कैपिटल जी का वैल्यू हो गया आपका. और फ्री फॉल भी हम लोगों ने लिख लिया था स्पार एंड लाइटन लेकर. ठीक है, इतना हो गया था. नेक्स्ट हेडिंग जो देंगे वो देंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, इज इट ऑलरेडी हेडिंग दे दिया सबने. ठीक है, तो फिर से इसमें भी पॉइंट वाइज रहेगा. तीन पॉइंट्स है. स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट वन. द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी. The acceleration produced in a freely falling body.
The acceleration produced is a free falling body. Yes, sir. Due to the gravitational pull. Due to the gravitational pull of a heavenly body. Now, for those who are confused with the spelling, heavenly body. Now, I hope you all understand the meaning of the word heavenly. Is called acceleration due to gravity. I repeat it from the start. The acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational pull of a heavenly body is called acceleration due to gravity. ठीक है, कितना लिख लिया सब? सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. एंड इज डायरेक्टेड towards the center of the heavenly body. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, थोड़ा सा रेपिटेटिव लगेगा लेकिन इट हैज इट्स ओन सिग्निफिकेंस. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ. The acceleration produced in a body due to the gravitational pull of the earth. इतना लिख लिया सबने? रिपीट कर रहे शुरू से. The acceleration produced in a body due to the gravitational pull of the earth. Near its surface is called acceleration due to gravity of the earth. ठीक है, इतना लिख लिया सबने? अब एक बात समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे. सपोज दिस इज अ अर्थ. ठीक है, नाउ अगर ये इसका सेंटर है
तो अभी के हिसाब से हमने जो भी बात पढ़ी वो ये कह रही है कि सारे ऑब्जेक्ट्स जो है, जो भी हेवनली ऑब्जेक्ट्स है, वो बाकी चीजों पे जिन पे उनका ग्रेविटेशनल पुल एक्ट करता है, दे ट्राई टू अट्रैक्ट इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, राइट। यही पढ़ा है लोगों ने। अब अगर अर्थ की बात करें तो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस, ये जो रेडियस है इसका ये कितना है? हाउ मच इज इट? सिक्स थाउजेंड थ्री हंड्रेड फिफ्टी सेवन क्या लाइट ईयर? किलोमीटर? सेंटीमीटर? किलोमीटर? किलोमीटर। अच्छा, अगर इसको मीटर में करेंगे तो कितना आ जाएगा? किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे सिंपली जो वैल्यू तुमने बोली उसको थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना सा बोल लेंगे क्यों शर्मा रहे? ये जो वैल्यू है ये है रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 × 10⁶ मीटर। ठीक, रेडियस ऑफ अर्थ। अब सपोज करो कि जो ग्रेविटेशनल पुल होगा इसका, वो लगभग किस इतने एरिया में होगा, राइट? मतलब सर्किल मेरा एकदम परफेक्ट नहीं है, बट होगा यही कुछ 100 किलोमीटर ऊपर तक या 200 किलोमीटर ऊपर तक, राइट? यू ऑल मस्ट हैव स्टडीड दैट टॉपिक, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कहां तक अर्थ का ग्रेविटेशन पुल रहता है, किस लेयर तक रहता है? एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, सबने पढ़ा था ना, आयनोस्फीयर। कहां तक होता है? भूल गए। ठीक है, विच एवर स्फीयर इट इज, वील अज्यूम इट टू बी अज्यूम स्फीयर। ठीक है, हम नया नाम ले लेते उसको। तो सपोज अगर यहां से कोई ऑब्जेक्ट कितना स्टार्ट कर रहा है, 100 मीटर ऊपर से, ठीक है, तो 100 मीटर कंपेयर टू 6000 किलोमीटर क्या है? वैल्यू नेगेजिबल है, होगी। 100 मीटर्स कंपेयर टू 6000 किलोमीटर वैल्यू क्या होगी? नेग्लिजिबल होगी। यस सर। हम मतलब काउंट नहीं कर सकते, इट्स लाइक कंपेयरिंग आर हाइट विद दैट ऑफ एन एंट। तो एंट की हाइट हम क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ माइक्रोन तो उसकी साइज होगी, या सेंटीमीटर होगी, मिलीमीटर। ठीक है, बट कंपेयर टू आर्स इट इज इट नेग्लिजिबल। चीटी को हम लोग कहेंगे जीरो, isn't it? ऐसा कहेंगे? तो अगर हमें उस 100 मीटर ऊंचे ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल में है अगर, और उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना एक्ट कर रहा है ये कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करें? तो कैसे हो भाई? फॉर्मूला ये है ना, F इज इक्वल टू जी कैपिटल एन स्मॉल एन अपॉन बी स्क्वायर, यही तो है। अब देखो इसको समझना, अगर हम F को इज इक्वल एम इंटू ए लिख दे तो कोई दिक्कत? अब ये जो m है ये कौन सा होगा? ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। अगर अर्थ ऑब्जेक्ट की तरफ खींच रहा होता तब हम मास ऑफ अर्थ लेके चलते, बट यहां तो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ खींचेगा, इज इट इट?
तो हम ये एम लेंगे और फिर हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर, राइट, यही होगा। तो ये जो एम है, ये जो एम है और ये एम कैंसिल आउट हो जाए। अब बचेगा क्या हमारे पास, ए, और ये ए कौन सा है, दिस इज योर वेरी ए विच वी आर लुकिंग फॉर, यही क्या है तुम्हारा, ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसको हम यहां ए ना लिख के लिख देते हैं जी, तब ये क्या हो जाता है, जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, ठीक है। और ये डी क्या होगा, यहां रेडियस ऑफ अर्थ, तो अब कैपिटल जी की वैल्यू हमें पता है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू पता है और रेडियस ऑफ अर्थ पता है, तो क्या हम स्मॉल जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। लेट मी गिव यू द वैल्यू, प्लीज कैलकुलेट इट फॉर मी, वैसे तो सबको पता ही है, बट स्टिल मास ऑफ अर्थ हियर इज इक्वल टू कितना पड़ा था, 6 × 10⁻¹⁰, हाउ मच के जी, 24, ठीक है, एंड द डिस्टेंस दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6.4 × 10⁻¹⁶ मीटर, यही पढ़ा है। जी की वैल्यू क्या है, 6.67 × 10⁻¹১১ की माइनस 11, न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट, यही है। ये जो तीन वैल्यूज है आपकी, इसको फॉर्मूले में इनपुट करके क्या स्मॉल जी की वैल्यू हमें मिल सकती है, प्लीज कैलकुलेट इट। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे सब, ठीक है। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो ये है 10⁻¹⁴, 10⁻⁶ और 10⁻⁻¹। तो अभी तक जो रूल हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये जो मल्टीप्लाई वाली पावर से ये क्या होगी, ऐड होगी, सब्ट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, ऐड होगी। सो 24 प्लस ब्रैकेट में -11 क्या दे देगा, 13, ठीक है। और अगर सपोज करो बचा 13 और नीचे है 6, तो अब तुम्हारे पास फाइनली क्या बचेगा, 7 बचेगा, तो मतलब 10⁻¹⁷ एक हम नीचे लिख ले रहे हैं। अब करना क्या है, 6.7 × 6 7 × 6 कितना आ रहा है, 40.2 डिवाइडेड बाय 6.4 6.28125 सर नीचे स्क्वायर है डी, अच्छा ये याद है, ये याद है, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा इसका, ये किसी को याद था जब कैलकुलेशन कर रहे थे, यस सर, ठीक है। तो अब
नीचे जो हम पहले मान के चल रहे थे 6 है, वो एक्चुअल में 6 नहीं था, वो क्या था 12, और ऊपर कितना बचा था 13। तो अब हमारे पास जो बचेगा नीचे वो क्या बचेगा, बस एक 10 बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। और ये जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है इसको एक बार और किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6.4, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.981, 0.981 इंटू 10, तो रिजल्टेड क्या आ जाएगा 9.81, और यूनिट क्या होगी एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, समझ आया। इसीलिए स्मॉल जी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10, समझ आ गई बात, yes, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, कैलकुलेशन सिंपल थी। एक बैठे थे क्लास, एक बैठे, सो ओके, दिन दैट्स इट, यहीं पे आज की क्लास को रोकेंगे, वी स्टॉप ओवर हियर।